निरीह जानवर की बलि दे करके अपने आप को बहादुर मान लेना और ये मान लेना कि हमने एक की जान ले ली तो बहुत कुछ हमने जीत लिया, जीते नहीं, आप जीते जी सब हार गए। और निश्चित रूप से एक दिन ये यज्ञ हिंसा करने वाले और धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले, धर्म के नाम पर बेजुबान जानवरों की हत्या करने वाले लोग निश्चित रूप से एक दिन हारेंगे, उनका हारना तय है। इस तरह से जो कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं, लाखों करोड़ों साल तक प्रेत योन में फंसे रहते हैं। किसी के मांस मदिरा खाने का विरोध नहीं करते, दरबार आता है वो कहता है हमें मांस मदिरा छोड़ना है, दरबार छोड़वा देता है क्षण में। लेकिन मंदिर में होने वाली हिंसा, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा एकदम दरबार को स्वीकार नहीं। दरबार आज विरोध कर रहा है और सदैव इसका तब तक विरोध करता रहेगा जब तक माँ कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी, तब तक विरोध करेगा। और हमने संकल्प लिया है, दरबार ने संकल्प लिया है कि मंदिर के परिसर में माँ के तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक बलि प्रथा वहाँ बंद नहीं हो जाएगी। कामाख्या जाएंगे, मयांग जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि तंत्र में इस तरह के ढकोसले बहुत हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, जंगलों में नहीं मंदिरों में भी हो रहे हैं। और पंडे पुजारी कमाई खा रहे हैं, बकरों को कटवा के, भैंसे कटवा के पंडे पुजारी मोटे हो रहे हैं और घर परिवार उनके पूरे सड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी चिकित्सा की है। हम देखते हैं कि सड़ रहे हैं पूरा परिवार, कोई अंधा हो रहा है तो कोई लकवा मारा हुआ है तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है, और दूसरों को शांति पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, आओ बकरा कटवा लो सब ठीक हो जाएगा। अपने घर में जो जूते चल रहे हैं, घर में जो पेशी आ रही पत्नी को बेटियों को, वो नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए करौली सरकार आते हैं छुप के। वीडियो हैं सबके, डाले नहीं हमने कि माँ के दरबार का अपमान होगा, कि वहाँ के पंडे पुजारियों के जब ये हाल है इसका मतलब माँ का कोई अस्तित्व तो नहीं है। बलि चढ़ने वाला पशु शांत हो जाता है, बलि के पहले समझ लेता है कि आज हत्या है, जान जाता है। उस बेजुबान जानवर को इतनी शक्ति दे रखी ईश्वर ने, अपने मृत्यु के पहले जान जाता है अपने यमराज को देख करके, जो मनुष्य रूप में यमराज खड़ा है वो जान जाता है कि आज हमारी मृत्यु तय है, विरोध नहीं करता है। उसे पता है आज तुम हमें काट रहे हो, कल हम तुम्हारी जगह होंगे, कल हम तुमको काटेंगे, तुम हमारी जगह होगे, इसलिए स्वीकार कर लेता है ये न्याय को। और आप उसे काटते हो और अगले जन्म में स्वयं कटने के लिए अपने को तैयार कर लेते हो, इससे बचने का कोई उपाय नहीं, ध्यान रखो कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप लोग बच के आए हैं, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए कि बचें, इधर नहीं जाएं, इधर नहीं देखें।